बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दसवीं और बारहवीं का रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिसका लिंक है आउट हो गया है यदि आप डाउनलोड या चेक करना चाहते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा यह रहा नोटिफिकेशन और यह प्रकाशित हो रही है और यहाँ पर देखिए लिखा गया है इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 हजार एवं माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए सूचीकृत पंजीकृत विद्यार्थी का डमी सूचीकरण रजिस्ट्रेशन कार्ड समिति के वेबसाइट पोर्टल पर जारी कर दिए गए हैं और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि सुधार या बदलाव करने के लिए माता पिता अभिभावक के डमी सूचीकरण प्राप्त करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पर देखिए दसवीं और बारहवीं के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यानी कि रजिस्ट्रेशन कार्ड लिंक दिए गए हैं दो लिंक मौजूद है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन दोनों लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ दो तरीके से रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड होंगे पहला यहाँ पर देखिए है की शिक्षण संस्थान के द्वारा यानी स्कूल विद्यालय कॉलेज के द्वारा यूजर आई पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा सकते हैं ये प्रधानाध्यापक या स्कूल के द्वारा ही प्रबंधक के द्वारा किए जाएंगे दूसरा प्रोसेस यह है यदि आपके पास है, डिटेल्स हैं, तो आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट पर आना है और इस वेबसाइट पर आने के बाद में क्लिक तो डाउनलोड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के बटन पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर आपको देना होगा आवेदक का डिटेल्स डमी एडमिट कार्ड में आप सुधार या बदलाव भी करा सकते हैं वही डाउनलोड करने की तिथि है 10 जुलाई 2024 से 30 जुलाई 2024 के बीच आप यह प्रोसेस कर सकते हैं यहां पर देखिए सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है इसमें आपका नाम माता का नाम पिता का नाम स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है फोटो जन्म तिथि जाति धर्म राष्ट्रीयता लिंग विषय संबंधित कुछ भी आप चेक कर सकते हैं और त्रुटि के लिए संशोधन यानी कि सुधार या बदलाव के लिए रिक्वेस्ट दर्ज करा सकते हैं इसके अलावा विभाग से संपर्क करने के लिए यहाँ पर मेल आईडी और यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट नंबर पब्लिकली दी गई हैं जिससे आप कॉन्टेक्ट कर पाएंगे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है गूगल में हॉस शेयर सर्च कर देना है हॉस शेयर सर्च करते ही पहला रिजल्ट दिखाई देगा इस पर क्लिक कर देना है आपके सामने यह वेबसाइट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड के नीचे बिहार बोर्ड टेंट डर रजिस्ट्रेशन कार्ड पर क्लिक कर देना है यह पोस्ट ओपन हो जाता है और यहाँ पर देखिए डिटेल्स में पढ़ सकते हैं और यहाँ पर देखिए छात्रों द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की वेबसाइट क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए छात्रों को द्वारा बिल्कुल सही तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कार्ड दे सकते हैं सबसे पहले कैंडिडेट का कोड दर्ज करना है कैंडिडेट का नाम दर्ज करना है फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दर्ज करना है और सर्च बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर लेना है दूसरा तरीका है स्कूल द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की वेबसाइट तो क्लिक हेर के बटन पर क्लिक कर देना है और यहां पर देखिए वेबसाइट ओपन हो जाती है वेबसाइट ओपन होने के बाद में यहाँ पर पेज ओपन हो जाता है और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर आई डी दर्ज करना है यहाँ पर देखिए ओ टी पी पासवर्ड दर्ज करना है लॉग इन बटन पर क्लिक करके आप आसानी से करेक्शन कर सकते हैं यहाँ पर देखिए डेट भी मेंशन किए गए हैं कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड करेक्शन डेट 10 जुलाई 2024 से 30 जुलाई 2024 तक अवेलेबल है इस वीडियो में इतना तो ही लेकिन याद रखिएगा यह या टेंटेटिव डेट है यह डेट बढ़ भी सकता है यानी की जरूरत के अनुसार एक्सटेंड भी किए जा सकते हैं इस वीडियो समय कोई भी सवाल हो सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर ठोक सकते हैं लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट शेयर की जाती है धन्यवाद